आज लास्ट क्लास है इस चैप्टर का। कल हम लोग नया चैप्टर चालू करेंगे, सॉल्यूशंस चालू करेंगे। आज लास्ट क्लास है, छोटा सा क्लास है, ठीक है। तो कल के क्लास तक, कल का जो क्लास का रिकॉर्डिंग है वो आज शाम तक हम जो है अपलोड कर देंगे। कल टेक्निकल प्रॉब्लम था वाईफाई, ये राउटर के अंदर में, तो राउटर हटा करके नया राउटर, नया ये लगाया गया है। तो अब जो है आ रहा है, ठीक है। तो आज लास्ट क्लास है इस चैप्टर का, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दोगे? तो हम लोग पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन नंबर, पढ़ रहे थे क्या? पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन नंबर, पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन नंबर। हम लोग ये देख रहे थे कि कौन सा पार्टिकल जो है वो कितने पार्टिकल से टच हो रहा है। तो कल के लेक्चर में हम लोग देखे किस किस का कोऑर्डिनेशन नंबर देखे थे। वन डायमेंशन का देखे थे, टू डायमेंशन में देखे थे, ठीक है ना, और थ्री डायमेंशन में देख लिए थे। तो हम लोग HCP तक देख चुके थे, यानी हेक्सागोनल वाला हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर देख लिए थे, 12 हुआ करता था, एनिमेशन में आप लोग देखे थे, ठीक है। अब हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे FCC का, BCC का, ठीक है। तो यहां पे ध्यान दोगे, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर PCC का जरा देखो। किसका देखना है? PCC का कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है कि PCC का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, देखो PCC में होता क्या है कि ये कॉर्नर पे पार्टिकल होता है इस तरीके से, ऐसे सभी कॉर्नर पे क्या होगा? पार्टिकल होगा। तो ये आपको बताना रहता है कि ये कॉर्नर का पार्टिकल जो है वो कितना पार्टिकल से डायरेक्ट टच में है, ठीक है। तो यहां पे जरा देखो, तो होता क्या है PCC में कि ये पार्टिकल इसके डायरेक्ट टच में होता है, समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। ये पार्टिकल इसके डायरेक्ट टच में होता है, ये नीचे वाला पार्टिकल इसके डायरेक्ट बोलो टच में होगा, कोई दिक्कत? ये वाला पार्टिकल डायरेक्ट टच में होगा, ठीक है। एक मिनट, को इस तरीके से एनिमेशन में समझो तो ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहां पे देखिएगा, यहां पे आपको PCC पार्टिकल देखने को मिलेगा, ठीक है। ये इस तरीके से PCC का पार्टिकल है। कोई एक पार्टिकल को आप जरा देखो, ये चार पार्टिकल है, दिख रहा है? कोई दिक्कत? ये इस तरीके से, ये चार पार्टिकल इस तरीके से एक क्यूब बन रहा है। तो यहां पे जरा देखोगे, सपोज इस पार्टिकल को जरा देखो, ये कितने पार्टिकल से टच है, ये वाला, या इसको जरा से देखो कितने कितने से टच है, ये वाला, ध्यान दीजिएगा। यहां पे जरा देखो, इससे टच है, एक दो तीन और नीचे चार। एक पार्टिकल इसके ऊपर रहेगा क्या? पांच। और एक पार्टिकल क्या होगा?
इसके जस्ट पीछे रहेगा। तो ये आपका पीसीसी है, सिंपल क्यूबिक लैटिस या पीसीसी, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बोलो। तो पीसीसी का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ध्यान दीजिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर वो कितना हो जाता है बोलो, 6 हो जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा पीसीसी का, 6 हो जाएगा। अब आ जाते हैं बीसीसी में, कि बीसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे देखो, ये आपका बीसीसी है, देख पा रहे हो, इस जरा फेस को देखो, ये बीच वाले पार्टिकल को जरा देखो, किसको देखना है बोलो, बीच वाला पार्टिकल को जरा देखो, देख रहे हो। तो बीच वाला पार्टिकल कितना पार्टिकल से टच है बता सकते हो क्या, कितने पार्टिकल से डायरेक्ट टच हो रहा है, सबसे टच हो रहा है क्या, यानी बीच में पार्टिकल है और सभी कॉर्नर के पार्टिकल से क्या हो रहा है, ये बीच का पार्टिकल है, इससे भी टच है, इससे भी टच है, इससे भी टच है, इससे भी टच है, यानी चार ऊपर टच कर रहा है और बाकी चार कहां टच करेगा बोलो, चार नीचे में टच कर रहा होगा, चार कहां टच कर रहा होगा, नीचे में। तो बीसीसी का अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर देखोगे, तो बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बोलो, बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 6 हो गया, 8 हो गया। अब एचसीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, हेक्सागोनल क्यूबिक यूनिट सेल। तो कल आपको हेक्सागोनल क्यूबिक यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर दिखाए थे, यहां पे एक बार फिर से आप समझिएगा। ध्यान दीजिएगा, इसको जरा देखो, इसके स्ट्रक्चर को यहां पे आप जरा सा देखो, एक यहां पे आप देखो, इस पार्टिकल को जरा सा देखो, इस पार्टिकल को जरा देखो, कितना पार्टिकल से टच में है, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 पार्टिकल से टच में है। ऊपर में 3 पार्टिकल बैठेगा क्या, यहां पे एक वॉइड देख रहे हो, यहां पे क्या बैठेगा, एक पार्टिकल ऐसा बैठेगा, यहां पे वॉइड दिखाई दे रहा है, यहां पे भी क्या होगा, एक पार्टिकल ऐसा बैठेगा, और यहां पे एक वॉइड दिखाई दे रहा है, यहां पे भी क्या होगा, एक पार्टिकल ऐसा बैठेगा। यानी एक प्लेन में 6 पार्टिकल, ऊपर में 3 पार्टिकल, और 3 ऐसा ही 3 पार्टिकल कहां दिखाई देगा, इसके पीछे भी दिखाई देगा क्या, तो चारों तरफ 6 और ऊपर में ये 3 और उसके नीचे 3, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 12। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, किसका, एचसीपी का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, एचसीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, एचसीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 12। कितना होगा, 12। अब चलते हैं एफसीसी पे, यानी फेस पे। तो यहां पे समझना, फेस पे कितना होगा इसको जरा सा हम लोग देखेंगे। यहां पे देखो, फेस पता है कि हर फेस पे क्या होता है, हर फेस पे पार्टिकल होता है, इस तरीके से होता है क्या, देख पा रहे हो। तो
इस फेस वाले पार्टिकल को जरा देखो कितना है, ठीक है, इस फेस वाले पार्टिकल को जरा सा चेक करो कितना से ये टच कर रहा है डायरेक्ट। देखो तो टच किससे कर रहा है, ये एक दो तीन और ये चार सीधे सीधे टच करता हुआ दिखाई दे रहा है, और चार हो गया, ठीक है ना। अच्छा पीछे में कितना दिख रहा है, एक ये भी तो टच कर रहा है ना इसके साथ, ये वाला टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है उसके साथ, और ये भी क्या हो रहा है इसके साथ टच करना कर रहा है, कितना हो गया, आठ हो गया, कोई दिक्कत। अब एक चीज समझना, क्या इसके आगे भी एक यूनिट सेल होगा क्या, इसके आगे भी तो एक यूनिट सेल होगा ना, बोलो, एक ही यूनिट सेल तो नहीं रहना है, इसके आगे भी क्या होगा, बोलो, इसके आगे भी यूनिट सेल होगा, इसको जरा सा समझिएगा थोड़ा सा। ये एफसीसी है, ठीक है, सेम एक यूनिट सेल क्या होगा, सेम एक यूनिट सेल इसके आगे लगा हुआ रहेगा, कहां लगा हुआ रहेगा, इसको हटा देते हैं, इसके आगे ऐसा दिखाई देगा आपको, इस तरीके से एक आगे डब्बा होगा क्या, बोलो, इस तरीके से आगे डब्बा नहीं, अगर आपको विजुलाइज हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरीके से एक आगे भी डब्बा होगा क्या, बोलो, इसी को जरा सा देखते रहो, आगे डब्बा है, ठीक है। तो ये चार कॉर्नर वाला पार्टिकल्स तो ऐसे आपको दिखाई दे रहा है, आगे जो डब्बा होगा ये वाला फेस पे एक पार्टिकल जो होगा वो क्या होगा, उसके डायरेक्ट टच में होगा, एक यहां पे जो फेस का पार्टिकल होगा वो भी क्या होगा, उसके डायरेक्ट टच में होगा, एक फेस का पार्टिकल ऊपर से टच में होगा, और एक फेस का पार्टिकल ये नीचे वाला टच में होगा। तो कितना है, ये कॉर्नर वाला इधर पार्टिकल है तो वो बहुत दूर है, वो उसके साथ टच में नहीं होगा, ये कॉर्नर्स के पार्टिकल इसके साथ टच में नहीं होंगे। तो ये ब्लू वाला देखोगे चार, और उधर कितना है, चार आठ, और चार और जो होगा वो अगले क्यूब से टच कर रहा होगा क्या, वो अगले क्यूब से टच कर रहा होगा, तो टोटल इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, बारह हो जाएगा। नहीं विजुलाइज हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, याद रख लेना है, कितना बोलो, बारह होगा, कोई दिक्कत यहां पे समझने में, कोई प्रॉब्लम बोलो, नहीं विजुअलाइज हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, याद आपको रख लेना है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बारह, कोई दिक्कत। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर सब आपको याद रहेगा, ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में सीधे पूछ देगा, ठीक है। एक और है सीसीपी, ठीक है ना, सीसीपी का भी जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो भी बारह हो जाएगा, कोई दिक्कत यहां पर, कोई दिक्कत। तो ये आपको डायरेक्ट क्या करना है, एग्जाम में आपको याद रखना है, यहीं से आपको क्या आएगा, यहीं से क्वेश्चन वगैरह आएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पे, आते हैं हमारा अगला टॉपिक है वॉइड, अगला टॉपिक क्या है, वॉइड। वॉइड का मतलब होता है खाली जगह, वॉइड का मतलब क्या होता है, खाली जगह, एम्प्टी स्पेसेस, बिल्कुल आपके खोपड़िया की तरह, ठीक है। तो खाली जगह होता है, पैकिंग जब आप करते हो तो पैकिंग में बहुत सारा खाली जगह दिखाई देता है, तो खाली जगहों का कुछ नाम है, क्या क्या नाम है इसको जरा सा समझते हैं, ठीक है, ध्यान दोगे कैसे ये खाली जगह है, यहां पे जरा सा समझना है। देखो आपको पता है ये पार्टिकल्स है, ठीक है, ये आपका पार्टिकल्स है, देख पा रहे हो, तो ये इस तरीके से अरेंज है क्या, ऐसे अरेंज होता है, अरेंजमेंट आपको कल बताए थे, ठीक है ना, इस तरीके से अरेंज है, समझ पा रहे हो, और ये ऐसे अरेंज हो गया, कोई दिक्कत नहीं, टेढ़ा है मेरा है, ठीक है ना, चलो ये ऐसे, ये इस तरीके से ऐसे अरेंज,
तो अगर आप बॉल्स को ऐसे अरेंज करोगे, तो बॉल को जब आप अरेंज करते हो तो कुछ खाली जगह आपको दिखाई देगा क्या? बोलो। तो यहाँ पे देखो, ये कुछ खाली जगह है, ठीक है ना? ये वाला स्पेस देख पा रहे हो, ये वाला स्पेस देख पा रहे हो, ये दिख रहा है? इसी खाली जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? वॉइड बोलते हैं। क्या बोल देंगे? वॉइड बोल देंगे। अच्छा, और भी टाइप का खाली जगह है, ध्यान दीजिएगा। किस किस टाइप का है इसको जरा सा समझना। ये इस तरीके से, ध्यान देना, एक ऐसे भी अरेंजमेंट था ना, याद करो, ऐसा वाला एक अरेंजमेंट था कि भाई वो फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन में कौन जाएगा, सेकंड लेयर जाता है, ऐसा इस तरीके से। देख पा रहे हो? ये फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन में, फर्स्ट लेयर के गड्ढा में जो है वो क्या होगा, सेकंड लेयर जो है वो यहां पे आएगा। देख पा रहे हो? इस तरीके से ऐसे अरेंजमेंट होगा तो इस तरीके का क्या आएगा, आपको वॉइड्स देखने को मिलेगा। समझ पा रहे हो बात को? ऐसा इस तरीके का ये वॉइड देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो यहां पे आपको क्या मिल रहा है? ये खाली जगह मिल रहा है, ठीक है? तो इसका नाम है स्क्वायर वॉइड। क्या नाम है इसका? स्क्वायर वॉइड नाम है। ये 2D में होगा, स्क्वायर वॉइड नाम होगा। और इस वॉइड का क्या नाम हो जाएगा? ट्रायंगल की तरह दिख रहा है क्या? क्या नाम होगा इसका? ट्रायंगुलर वॉइड नाम होगा। कोई प्रॉब्लम यहां पे? क्या नाम हो जाएगा? ट्रायंगुलर वॉइड होगा। कोई दिक्कत यहां पे? अब हम लोग आते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर। किस किस वॉइड के ऊपर आएंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड के। भाई टेट्राहेड्रल वॉइड कैसा लौकाई दिखाई देता है इसको जरा सा समझना, ठीक है? कैसा दिखाई देता है, कैसा लौकाई देता है इसको समझना, ध्यान देना। यहां पे आपका ये ट्रायंगुलर वॉइड है सपोज। कौन सा वॉइड है? ये ट्रायंगुलर वॉइड है। इधर में ऐसे लगा दिए, ये ट्रायंगुलर वॉइड दिख रहा है, ठीक है? इस तरीके से। अब इस ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर हम क्या करेंगे कि यहां पे तो डिप्रेशन बन रहा है। क्या बन रहा है? डिप्रेशन। ये ट्रायंगुलर वॉइड दिख रहा है। इस डिप्रेशन पे आप क्या करो कि आप इस डिप्रेशन पे जो है इसी तरीके का, ध्यान दोगे, इसी तरीके का क्या लेकर के आना है? बोलो। इसी तरीके का बॉल लेकर के आना, और कहां रख देना है? इस डिप्रेशन के ठीक ऊपर रख देना है। कहां रख देना है? डिप्रेशन के ऊपर। यानी तीन आप बॉल लिए हो, तीन तीन बॉल को जोड़ोगे तो ट्रायंगुलर वॉइड दिखेगा। और ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर आप क्या रख दो? एक और बॉल रख दो, फिर भी इसके अंदर में कुछ खाली जगह दिखाई देगा क्या? समझ पा रहे हो? इसी खाली जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी खाली जगह को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड बोलेंगे। क्या बोल देंगे बाबू? टेट्राहेड्रल वॉइड बोलेंगे। इसी खाली जगह को क्या बोलेंगे? अंदर में ये जो स्पेस होगा उसका स्पेस आप इमेजिन कर पा रहे हो कि अपने दिमाग में कि तीन बॉल है, ट्रायंगुलर वर्ड दिख रहा है, उसके ऊपर एक और बॉल हम ला करके रख दिए, तो अंदर जो जगह बन रहा है वो जगह को हम लोग क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड, ध्यान दीजिएगा। और यदि इसी तरीके का अरेंजमेंट है, मान लो, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा
दम धरिए। ध्यान दीजिएगा, ये इस गड्ढे के ऊपर देख पा रहे हो, ये इसके ऊपर लगाए, क्या बना? टेट्राहेड्रल। ये इस गड्ढे के ऊपर देख पा रहे हो टेट्राहेड्रल, ये इस गड्ढे के ऊपर टेट्राहेड्रल, यहां पे देखो ये इस वाले गड्ढे के ऊपर ऐसे टेट्राहेड्रल, और ये इस वाले गड्ढे के ऊपर यहां पे ध्यान दे पा रहे हो टेट्राहेड्रल, कोई दिक्कत? बोलो, ये यहां पे इस तरीके से लगेगा टेट्राहेड्रल। यहां पे एक चीज जरा देखना, ये तो आपका टेट्राहेड्रल वॉइड दिखाई दे रहा है, क्या दिख रहा है? टेट्राहेड्रल वॉइड दिखाई दे रहा है यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, लेकिन इस एरिया को जरा सा देखो, ये वाला एरिया कैसा दिख रहा है? ऊपर के लेयर के वजह से एक ऐसा इस तरीके का वॉइड है। ऊपर के लेयर में क्या है? एक ऐसा वाला वॉइड है, देख पा रहे हो? बोलो। और नीचे के लेयर में कैसा वॉइड है? बोलो, नीचे के लेयर पे से व्हाइट वाला दिख रहा है क्या? नीचे में क्या है? ऐसे ये व्हाइट वाला है, यानी नीचे का टेट्रा, नीचे का ट्रायंगुलर वॉइड और ऊपर का ट्रायंगुलर वॉइड जब आपस में कोइंसाइड करता है तो अंदर जो स्पेस दिखाई दे रहा है उस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं। समझ पा रहे हो? अब थोड़ा सा एनिमेशन से ये चीज को देखते हैं कि आखिर टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसा दिखाई देता है, इसको जरा सा समझना। तो यहां पे आप देख सकते हो, ये आपका अरेंजमेंट है थ्री डायमेंशन में। तो ये बीच में जो गड्ढा दिखाई दे रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर वॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये ट्रायंगुलर वॉइड है। समझ पा रहे हो बात को? कोई प्रॉब्लम? बोलिए, ये ट्रायंगुलर वॉइड है, खाली स्पेस। अब इसके ऊपर लगातार क्या हो रहा है? बॉल्स को स्टैक कर रहे, यानी पहले लेयर के गड्ढे के ऊपर किसको रखेंगे? बोलो, बॉल्स को रखेंगे। तो अब यहां पे जरा सा देखिएगा, ये फर्स्ट लेयर है और फर्स्ट लेयर के ऊपर जो है सेकेंड लेयर रखे हैं। तो ये जो आपका वॉइड दिखाई दे रहा है, ये जो अंदर में खाली जगह दिखाई दे रहा है, इसी खाली जगह को हम लोग क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड। कोई दिक्कत? अब यहां पे जरा सा देखो के दो ठो ट्रायंगुलर वॉइड एक के ऊपर एक क्या है? चढ़ा हुआ है, दो ट्रायंगुलर वॉइड। तो दो ट्रायंगुलर वॉइड जब एक साथ मिलेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या बोल देंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। समझ पा रहे हो? तो इस तरीके का जब अरेंजमेंट होता है एससीपी में, इस तरीके का अरेंजमेंट होता है तो इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड भी आता है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी आता है। समझ पा रहे हो बात को? कोई प्रॉब्लम यहां पे?
तो यहां पे कुछ बातें समझोगे कि ये जब अरेंजमेंट होता है तो इसमें क्या आता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी आता है और टेट्राहेड्रल वॉइड भी आता है, समझ पा रहे हो। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है, क्या देखा गया है एक्सपेरिमेंटली, साइंटिस्ट लोग ये देखा कि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल अगर एन है, नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है, अगर एन है, नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है, एन है, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी का संख्या भी कितना होगा, एन ही होगा। यानी जितना पार्टिकल होगा उतना ही क्या होगा, उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड इसके अंदर में आपको देखने को मिलेगा। कोई प्रॉब्लम? दूसरा बात यह है कि नंबर ऑफ, बोलो, टेट्राहेड्रल वॉइड भी किसके बराबर होगा, वो आपका 2n के बराबर होगा। यानी जितना टेट्राहेड्रल वॉइड होगा उसका दो गुना कौन होता है, दो गुना टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। दो गुना क्या होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड। यानी टोटल नंबर ऑफ वॉइड कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ वॉइड कितना हो गया, टेट्राहेड्रल प्लस, बोलो, ऑक्टाहेड्रल प्लस टेट्राहेड्रल कितना आ गया, 3n हो गया। ये टोटल वॉइड का संख्या हो गया, किसका संख्या हो गया, टोटल वॉइड का संख्या हो गया। एक चीज आप समझिएगा, जो वॉइड है, खाली जगह जो आपको दिखाई दे रहा है, वो एक्चुअली में खाली नहीं रहता है, उसके अंदर छोटा पार्टिकल कटायन अंदर रहता है। कौन रहता है, कटायन, क्योंकि कटायन का साइज छोटा है तो आसानी से क्या हो जाता है, ऑक्टाहेड्रल ऑक्यूपाई कर लेगा, नहीं तो टेट्राहेड्रल स्पेस को क्या कर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है, तो कटायन हैविंग ए स्मॉल साइज ऑक्यूपाई दीस वॉइड्स, समझ पा रहे हो। एक और चीज समझिएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड जो होता है वो छोटा होता है एज कंपेयर टू किसके कंपेयर में, एज कंपेयर टू, बोलो, ऑक्टा हेड्रल। ऑक्टा हेड्रल के कंपेयर में टेट्राहेड्रल का साइज क्या होता है, छोटा होता है। कोई दिक्कत यहां पे? अब आपको एक सवाल दिया जाएगा, क्या सवाल होगा इसको जरा सा समझना, यहां पे समझोगे सभी लोग ध्यान देंगे। और बाबू, अगर आपको परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए तो बाबू आपको रेगुलर आना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। फीस अपना जो है, कल हम लास्ट डेट, कब था लास्ट डेट, हाँ, खत्म हो चुका, आपका वैलिडिटी जो है एक्सपायर कर चुका था। राधा जितना नाचना था नाच चुकी, ठीक है ना, अब कोई नचाई नहीं होगा। अब फीस दीजिए तो क्लास में आप बैठिए, ठीक है। चलो, कहाँ हो गया, यही है। चलो, क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। कहाँ गया क्वेश्चन, नहीं कहाँ गया। चलो ऐसे लिखो, क्वेश्चन है, एन एसीपी हैज 3 × 10 का पावर 10 पार्टिकल्स,
ठीक है, एक एससीपी उसमें पार्टिकल्स का संख्या कितना है, 3×10⁸ पार्टिकल्स। कैलकुलेट ऑक्टाहेड्रल वॉइड, सेकेंड टेट्राहेड्रल वॉइड और थर्ड क्या होगा बोलो, टोटल वॉइड। कैसे कैलकुलेट करोगे बोलो, ऊपर पता है ना, ये टेट्राहेड्रल 2n होगा, टोटल 3n होगा और ऑक्टाहेड्रल कितना होगा, n होगा। तो यहां पे सबसे पहले बताओ पार्टिकल्स का संख्या कितना है, 3×10⁻¹, ये n का संख्या हो गया, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल कितना हो गया, n यानी 3×10⁻¹० पार्टिकल्स है। तो बताओगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड किसके बराबर हो जाएगा, n के बराबर हो जाएगा 10⁻¹० टेट्राहेड्रल कितना होगा बोलो, टेट्राहेड्रल वॉइड जो होगा 2n के बराबर होगा क्या, यानी 2×n कितना है, 3×10⁻¹० कितना हो जाएगा, 6×10⁻¹० अब क्या बताना है आपको, टोटल वॉइड बताना है, क्या बताना है, टोटल वॉइड कितना होता है, 3n होगा क्या, यानी 3×n कितना है, 3×10⁻¹० कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा क्या, कितना हो जाएगा, 9×10⁻¹० ये ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछ सकता है, सब्जेक्टिव में भी आपसे पूछ सकता है, बता दोगे ना, कोई दिक्कत बोलो, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक है, अभी है इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स अभी और है, पहले इसको छाप लो। कल आपका नया चैप्टर चालू होगा सॉल्यूशन, ठीक है। देखो पढ़ाई लिखाई ऐसा चीज है कि आपको रेगुलर आना पड़ेगा, ठीक है, उसके अलावा और कोई चारा है नहीं, एक दिन आए एक दिन नहीं आए। एक्चुअली क्या है ना, आपका क्लास टेन तक जो है ना स्कूल वाला जो है डिसिप्लिन आपका खराब करके रखा है, जब आप एब्सेंट किए हो तो कोई दंड फाइन वगैरह नहीं लिया गया है, एब्सेंट है हाँ चलो ठीक है। कई कई मामले में जो है गार्जियन भी बहुत कैजुअल हो जाता है एकदम, कि हम नहीं जा, अरे भाई स्कूल में बच्चा नहीं जा रहा है, घर पे रह रहा है, तो घर पे आखिर कर क्या रहा है कि नहीं। यहाँ पे अगर नहीं हो इसका मतलब यहां से कहीं दूसरे जगह हो, तो कहीं दूसरे जगह जब बढ़िया जगह पे होगे ना, इससे बढ़िया जगह कहीं होगे तभी दूसरा जगह होना चाहिए है कि नहीं। लिख लिए हो, सारा हो गया है, अगले पेज पे आ जाइए, इसको बना लीजिए। देखो अगर यहां पे नहीं हो तो कोई अच्छे जगह पे आपका होना जरूरी है, ठीक है ना। प्रोफेशनली अगर आप स्टूडेंट हो तो रेगुलर बेसिस पे आपको आना पड़ेगा, ठीक है, और नहीं तो टेंथ के बाद से किसी के ऊपर जो है जबरदस्ती नहीं है कि पढ़ना ही है। टेंथ के बाद से इंसान को हम तो बोलते हैं कि आराम से इंसान को छोड़ देना चाहिए, टेंथ के बाद से जिसको मन हो उसी को पढ़ाना चाहिए, नहीं मन हो छोड़ देना चाहिए है कि नहीं। सब पढ़ लेगा तो प्रकृति का नियम बिगड़ जाएगा, प्रकृति में जो बैलेंस है
वो बैलेंस खराब हो जाएगा, क्योंकि भाई सब कलेक्टर, डीएम, एसपी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर तो नहीं बन पाएगा, डॉक्टर वॉक्टर नहीं बन पाएगा, रिक्शा वाला, ठेला वाला, ये भी तो जरूरी है इस समाज के अंदर में, है कि नहीं? हो गया है, हाँ हो गया। ऊपर करें, ये तो हो गया ना, ऊपर थोड़ा सा ऊपर कर देना। किसी को कोई दिक्कत तो कथ है फोटो वोटो डायग्राम वग्राम बनाने में? कोई दिक्कत उक्कत हो तो बताओ, हम इतनी हम इन हाथों से जितना सेवा कर करना करने का क्षमता रहेगा उतना सेवा हम करेंगे, बताओ। वो इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में थे, एक लड़का को वहाँ पे बीएमएस होता है, ठीक है, बीएमएस लैब, वहाँ पे लोहा हुआ कटवाया जाता है, लोहा कटवाया जाता है, घिसवाया जाता है, काम दिया जाता है करके। तो लड़का गया, पहले ही सब लैब अब देखा, मोटा मोटा जो है स्टील रॉड सब देख करके सीधे सर से आके करा कि सर हमसे होगा नहीं। तो सर कहें कि ठीक है जाओ हॉस्टल। बीएमएस लैब में जिसमें सब बच्चा पास हो जाता उसमें उसको क्या कर दिया गया, फेल। उसके बाद से अगले साल जो है फिर अपने जूनियर सबके साथ जो है एग्जाम दे रहा है, जूनियर सबके साथ, और सबसे पहले जो है लोहा काट करके जॉब अपना फिक्स करके सबसे पहले सबमिट किया। तो कॉलेज में तो आराम से आपको कहा ठीक है नहीं करना है जाओ, सीधे फेल ग्रेड कर देगा, पास करिए, डिग्री लेना है तो भाई पास तो करना पड़ेगा। हाँ, कोई पैसा से हर चीज थोड़ी ना हो जाएगा। अच्छा मान लो कि एमबीबीएस डॉक्टर है, पैसा दे करके वो डिग्री लिया है, तुम जाओगे इलाज कराने, उससे चले जाओगे इलाज कराने? आए पता चला कि पेट में दर्द होगा, कोई ऐसा दवाई दे देगा कि इससे पता चला कोई दूसरा चीज खराब हो गया, फिर दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं? चलो हो गया, कर रही सर।
उस सब का कोई गारंटी है? नीम हकीम खतरे जान, सर्किट इंजीनियर सबसे घर का नक्शा बनवा लोगे पता चला गिरवा देगा। इधर नेताजी उद्घाटन किए, इधर पुल गिर गया। बिहार में होता है ना, एक बार पुले गायब कर दिया था सब, हाँ रोड भी गायब हो जाता है, पुल क्या, और ट्रेन का डब्बा भी एक बार गायब कर दिया था सर। इतना टैलेंट कहीं हो सकता है? यही टैलेंट के वजह से तुम देखो बिहार का आदमी जो है जनसेवा एक्सप्रेस पकड़ता है, सीधे जाता अमृतसर, है कि नहीं? पलायन सुपर फास्ट एक्सप्रेस, देखे हो जनसेवा एक्सप्रेस हो गया। कहाँ थे इतना दिन? एक दिन मिले नेहारी के दुकान पे सुबह सुबह, उसके बाद से फिर दिखाइए नहीं क्या? वो तो सकल से दिखाई दे रहा था, क्योंकि जो भी वहां पहुंचता है सुबह 5 बजे, इसका मतलब रात भर कभी सोया हुआ। हाँ बताओ, 4 आदमी तुम्हारे साथ था, चारों में से 100% बता दे कोई सोया नहीं था, बताओ। रात भर जगना अभी अच्छा एक्साइटिंग लगता बहुत लोगों को कि रात भर जग जाए बाबू, ऐसा क्लॉक बॉडी क्लॉक खराब होगा ना कि फिर तुम दुआ करोगे कि काश हमको 11 बजे नींद आ जाए, 10 बजे नींद आ जाए, पता चला कि नींद आ रहा आपको 1 बजे 2 बजे। बॉडी क्लॉक एक बार खराब हो गया तो फिर सुबह का रोजी रोटी जो है ना आपके हाथ से निकलने में टाइम लगने वाला नहीं है। हम भी कॉलेज में थे ना तो बड़ा एक्साइटिंग लगता था नाइट आउट मारना, लाइब्रेरी में जाते थे, रात में पढ़ते थे, कॉफी पी लेते थे। नतीजा ये हुआ कि नींद ही आना गायब हो गया। अब बहुत ज्यादा ये आपको बता दे रहे, बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है, कई कई साल लग जाता अपना वापस से बॉडी क्लॉक को क्या करने में, सही करने में। मगरिब के टाइम में आपको नींद आएगा, 7 बजे 8 बजे नींद आएगा, जैसे 9 बजे 10 बजे जाओगे सोने के लिए नींद गायब, ये सिस्टम होता है अगर आप रात भर जग जाओ तो। रात में 2 बजे 3 बजे तक पता चला छत ताक रहे हो, फिर क्या? अरे तो करेंगे नहीं, तो तुम क्या फिर बोल रहे हो? कुछ नहीं हो तो आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं। तो हम सीधे सीधे एक रूल निकाले, रूल ये रहेगा कि अब हम एडमिशन उसी का लेंगे जिसके पापा या मम्मी का 60% से ज्यादा नंबर होगा क्लास 10th के एग्जाम में, वही लोग यहाँ पे पढ़ेगा, ठीक है ना? जाकर के बोल देना मम्मी या पापा जिसका भी 60% से ज्यादा नंबर होगा उसी का यहाँ पे एडमिशन होगा, नहीं तो एडमिशन नहीं होगा। और जिसके भी पापा या मम्मी का 90% अबव अगर नंबर है बिहार बोर्ड या CBSE बोर्ड में, उसका पूरा फीस माफ रहेगा। हाँ हाँ, मम्मी या पापा किसी में से एक आदमी का अगर 90% या अबव मार्क्स है तो उसका फीस हाँ माफ हो जाएगा, ठीक है? सुनो, तो आप मम्मी पापा लोग का कभी मार्क्सशीट देखे हो? नहीं देखे होगे, मैक्सिमम लोग नहीं देखे हो, ठीक है ना? एक काम करो, देखना है ना, जाके कहो एकदम पापा मम्मी इधर आइए, बहुत जरूरी बात है, तो सर एडमिशन लेने से मना कर रहे हैं, काहे? तो पापा या मम्मी का जो है मार्क्सशीट चाहिए, 80% 60% के ऊपर होगा तो तभी एडमिशन होगा। अगर ये बात बोलने पे अगर आपके पापा के मुंह से अगर ये जुमला निकला, कौन मास्टर है, चिरकुट चुतिया मास्टर बाबे, तो समझ लो, हाँ समझ लो कि उन लोग का नंबर क्या है। हाँ नंबर चलो, कोई दिक्कत हो गया? बोलो,
मतलब ये निंजा टेक्निक है मम्मी पापा का नंबर देखने का, नहीं देगा लोग तो समझ तो समझ में आ गया नहीं आया था उतना है कि नहीं क्या। हाँ तो मार्क्स वो कह रहे हैं कि रोल नंबर आपका तो यादें होगा, उससे निकल जाएगा, उससे निकल जाएगा, टेंशन नहीं लो। चलो हो गया, कोई दिक्कत? आगे कुछ और क्वेश्चन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। टाइम क्या हो रहा? ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करना, कल के क्लास में हम लोग करेंगे। ठीक है, कल आपका नया चैप्टर चालू हो जाएगा, कौन सा? ठीक है ना, सॉल्यूशन। ठीक है।